भोजपुरी सुपरस्टार और राजनेता मनोज तिवारी पिता बन गए हैं। उनके घर नन्ही परी ने जन्म लिया है। मनोज तिवारी तीसरी बार पिता बने हैं। पिता बनने के बाद मनोज तिवारी ने ट्वीट कर अस्पताल से पत्नी सुरभि संग फोटो भी शेयर की है। सोशल मीडिया पर फैंस और सेलेब्स मनोज तिवारी को ढेरों बधाइयां दे रहे हैं। एक्टर की पत्नी सुरभि तिवारी ने 12 दिसंबर को एक बेटी को जन्म दिया है। मनोज तिवारी ने इंस्टाग्राम पर पत्नी के साथ अस्पताल से पहली तस्वीर शेयर करते हुए पिता बनने की खबर दी। उन्होंने बेटी के आगमन पर खुशी जताते हुए प्यारा सा पोस्ट भी लिखा। एक्टर 51 साल की उम्र में पिता बनने पर भावुक नजर आए और लिखा, बड़े हर्ष के साथ सूचित करना है कि मेरे घर में लक्ष्मी के बाद सरस्वती का आगमन हुआ है। आज घर में प्यारी सी बिटिया पैदा हुई है, उस पर आप सभी का आशीर्वाद बना रहे। बता दें कि मनोज तिवारी ने पिछले महीने ही इंस्टाग्राम पर पत्नी सुरभि तिवारी की गोद भराई का एक वीडियो शेयर करते हुए खबर दी थी कि वे जल्द ही एक बच्चे के पिता बनने वाले हैं। उन्होंने सुरभि की बेबी शावर का खूबसूरत वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया था। रेड लहंगे में सुरभि तिवारी बेबी बम फ्लॉन्ट करती नजर आई थी। इस प्यारे वीडियो को शेयर करते हुए मनोज तिवारी ने लिखा था, कुछ खुशियों को हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, बस महसूस कर सकते हैं। मनोज तिवारी और सुरभि तिवारी का ये दूसरा बच्चा है। मनोज तिवारी की पहली पत्नी से भी एक बेटी है। सुरभि मनोज तिवारी की दूसरी पत्नी है। इससे पहले उन्होंने 1999 में रानी तिवारी से शादी की थी। रानी और मनोज की एक बेटी है जिसका नाम रिति तिवारी है। 2012 में मनोज तिवारी और रानी तिवारी ने शादी के 11 साल बाद अलग होने का फैसला किया था। साल 2020 में मनोज तिवारी ने सुरभि संग शादी कर ली। दोनों के घर में 2020 में पहली बेटी का जन्म हुआ था जिसका नाम सानविका है। अब मनोज तिवारी और सुरभि की एक और बेटी हुई है। उन्हें ढेरों बधाइयां मिल रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।